hello everyone here i am from edumust today we will study determiners i will teach you about determiner in a very easy and concise way so keep in touch with me till the end of this video let's start with the determiners what are determiners what is the definition of determiners determiners are words that go before noun or noun phrases okay so uh, determiners kise bolte hain ki जब हम किसी भी डिटर्मिनर्स uh, को हम जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं नाउन uh, से पहले और अगर हमने नाउन को क्लैरिफाई करना है या फिर नाउन uh, फ्रेजेस उनके पहले लगता है तो हमारे थ्री कंडीशंस हो कि डिटर्मिनर्स या तो नाउन uh, से पहले लगेंगे या नाउन फ्रेजेस के पहले लगेंगे या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हमें नाउन uh, को क्लैरिफाई करना है टू क्लैरिफाई ठीक है इन थ्री चीज़ों के लिए जो है हम आ, डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको हिंदी में आ, आप करना चाहते हो ना कि हम कैसे पता लगाएं कि ये डिटर्मिनर है कि नहीं जो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन में भी रह सकता है मेरे आ, तो हम अगर यूज़ करें एग्ज़म्पल मैं आपको एक देती हूँ जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए मैं कहती हूँ माई पेन ठीक है तो आप बोलेंगे माई पेन तो हमें ये आंसर मिल गया अपना किसका किसका पेन है मेरा अगर मैं बोलूंगी कि अ चेयर ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं अ चेयर तो आप बोलोगे कितनी चेयर कि एक चेयर तो हमें इसके आंसर मिल गए हमें अपने दो क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं किसके किसके एक तो हमें आंसर मिला है किसका और कितना और right. ये दो क्वेश्चंस के हमें आंसर मिले हैं तो यही होते हैं डिटर्मिनर्स राइट नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जो हमारी काइंड्स या फिर हमारी जो टाइप्स होती हैं हम देखिए टाइप्स तो इसकी फोर uh, फाइव हैं जैसे कि आर्टिकल डेमोस्ट्रेटिव अपोजेसिव वो uh, हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन बट फर्स्टली वी विल वी हैव टू नो अबाउट द वी कैन काइंड्स राइट सो दीज आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स प्री डिटर्मिनर राइट प्री डिटर्मिनर सेंट्रल डिटर्मिनर एंड वट एल्स पोस्ट डिटर्मिनर्स लेटमी शो यू ओके पोस्ट डिटर्मिनर्स सो दियर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर प्री पोस्ट सेंट्रल सो प्री डिटर्मिनर्स में क्या आएगा जैसे कि आप uh, थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि प्री डिटर्मिनर्स हैं तो इसमें आगे इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अगर हमारे सेंट्रल डिटर्मिनर्स है तो थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देंगे और अगर आ, पोस्ट डिटर्मिनर तो उसको हम वैसे तो इसके फोर टाइप्स थी बट मैंने इसमें टू ही इंक्लूड किए हैं बिकॉज मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो ये है और अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे तो हम अपने आ, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं और अगर हम इनको भी और डिटेल से आ, अगर हम इसके आ, लिंक में चले जाएंगे तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगा और मे बी हमें जो हम समझ रहे हैं डिटर्मिनर्स वो भी शायद हमें समझ में ना आए तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्वांटिफायर इंटेंसिफायर एंड मल्टीप्लायर ओके मल्टीप्लायर लाइक हम कोई स्टोरी इफ वी स्टार्टेड एनी स्टोरी लाइक वंस अपॉन अ टाइम है ना तो इस तरह से हमें जो यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लाई क्या करते हैं तो इस तरह से लेकिन इसको अभी आप ब्रीफली में समझिए बिकॉज ओके आ, इसके अंदर आपको ये मैं अभी डिटेल में करवाएंगे जैसे आर्टिकल्स हैं इनका हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे अभी अगली स्लाइड पे करते हैं चलते हैं और इतना ही समझ लिए कि लीजिए कि इसके तीन जो हैं काइंड्स होते हैं जैसे कि प्री सेंट्रल और पोस्ट तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की देर आर फाइव टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स ओके देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स प्र रिमेंबर फर्स्ट इज आर्टिकल आर्टिकल्स सेकेंड इज पोजेसिव थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव इसकी स्लाइड आपको आगे मिल जाएगी डोंट वरी अबाउट दैट ओके एंड फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज ट्वेंटी फिफ्थ वन इज इज इंटेरोगेटिव ओके ओके सो इनके बारे में हम हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सो देखो पहला है हमारे पास आर्टिकल्स ओके okay? आर्टिकल्स में क्या होता है ए एन और दो। अब दो जो है वो हमारा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज़ होता है और ए और एन जो है हमारा वो इनडेफिनेट और जो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं हैं जिनको हम नहीं स्पेसिफिकली बता सकते उनके लिए हम यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट इज़ पजैसी पजेसी मीन्स जब हम किसी चीज़ को पजेस्ट करते हैं लाइक like कि हम कहते हैं कि ये हमारी है या तुम्हारी है ये हम स्पेसिफिक कर देते हैं और हम उस पर मालिकाना हक जैसा रखते हैं तो हम उसको पैसे बोलते हैं जैसे कि हिज हर यू नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की डेमोस्ट्रेटिव में फोर होते हैं बच्चे देखो दिस दिस दैट दीज और दोज अब दिस हम जो है दिस और डीज जो है वो हम नियर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दैट और दोज जो है वो हम जो हमारी चीज़ें uh, दूर होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ओके okay, तो लेकिन इनमें नंबर्स का नंबर्स के कारण इनका नाम अलग अलग है जैसे कि दिस जो है वो नियर बाय चीज़ों के लिए होता है और जो दैट है वो दूर चीज़ों के लिए होता है और इन दोनों में ही जो है चीज़ें हम देखते हैं कि सिंगुलर यानी कि नंबर में सिर्फ एक होनी चाहिए और दीज और दोज में फ़र्क़ ये है कि हम वो चीज़ें नंबर्स में ज़्यादा होंगी और दीज जो है वो नज़दीक चीज़ों के लिए और दोज जो है वो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होगा दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आप देख लो ये देखो दिस दैट दोज और दिस नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव तो इंटरोगेटिव में जैसे हम डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेज जो होते हैं और जो हाउ जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं कि uh, हमें उसके बारे में नहीं पता और वी वॉन्ट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग दैन वी यूज़ इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर लाइक वॉट हुज हाउ विच हु दीज आर देंटेंस दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरोगे क्वानिफायर्स आर इन वी कैन डिवाइड इट इंटू टू पार्ट लाइक क्वेंटिफायर्स लाइक नंबर्स एक जो हो गई हमारे और कार्डिनल जैसे कि वन टू थ्री लाइक और एक दूसरा हम इसको जैसे कह देते हैं फर्स्ट सेकेंड और uh, हम कह सकते हैं कि फ्यू सम जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्वान्टिफर्स like, में नंबर्स की ही बात होगी बेसिकली बट वो क्वान्टिटी कितनी है एक है दो है कुछ है ज्यादा है है ना इस तरह से जो है हम बात करेंगे सो दीज आर द फाइव बेसिक डिटर्मिनर्स बट हम वी विल डिस्कस इट इन सम

थिंक uh, कि किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा इट इज़ वेरी इजी और वेरी कॉमन टॉपिक आर्टिकल्स आर्टिकल्स सम डिटर्मिनर्स आर कोल्ड आर्टिकल्स डोंट कन्फ्यूज आर्टिकल्स और डिटर्मिनट्स अलग अलग चीज़ें हैं नो no. ये पार्ट है आर्टिकल डिटर्मिनर्स का आर्टिकल एक पार्ट है डिटर्मिनर्स का ओके सम डिटर्मिनर्स आर कॉल्ड आर्टिकल एंड दे टेल यू वेदर द नाउन इज़ जनरल और स्पेसिफ़िक कि वो आपको बताता है कि ये चीज़ स्पेसिफिक है डेफिनेट है और एक जनरल थिंग है लाइक like, है ना यूनिवर्सल थिंग है सो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स इम्पोर्टेंट दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स जो है ये हमारा होता है डेफिनेट और ये दोनों जो हमारे होते हैं इनडेफिनेट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आई वॉन्ट टू सी अ फुटबॉल मैच इज जनरल आई वॉन्ट टू सी द फुटबॉल मैच इज स्पेसिफिक अब द फुटबॉल मोच वो मैच वो एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है कि मुझे यही वाला मैच देखना है आई वॉन्ट टू सी अ फुटबॉल मैच इट इज कि ऐसा नहीं है कि उसको वही वाला देखना है कोई भी मैच हो वो चलेगा ठीक है तो वो एक जनरल थिंग की बात कर रहा लेकिन सेकंड सेंटेंस में वो द फुटबॉल मैच क्या दिया उसने तो वो उसने स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे उसी जगह पर उसी प्लेग्राउंड में उसी आ, आ, उसी टीम का मैच देखना है नेक्स्ट आर्टिकल के जो टाइप्स हैं जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आर्टिकल के टाइप्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स Which are they? दे दे आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट राइट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट डेफिनेट इज द एंड इनडेफिनेट इज ए an. और द जो मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्पेसिफिक चीज को बताता है और जो इनडेफिनेट है वो अनस्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करता है राइट जैसे कि जैसे लिखा हुआ नीचे हैव सीन फर्स्ट टाइम और हैव सीन सेकेंड टाइम राइट दैट ओके नेक्स्ट ब्रीफली हम डेमोन्स्ट्रेटिव को समझ लेते हैं मैंने आप मैंने आपको पहले ही समझा दिया है बट फिर भी इट इंडिकेट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ अ नाउन इट यूज़ टू इंडिकेट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ अ पोजिशन कि वो कितनी दूर पे है लोकेशन पोजिशन मतलब कहाँ पर वो है पास है या दूर है और लोकेशन मीन्स कि वो कि कहाँ है कहाँ पड़ी हुई है कि कैसी है वो, वो नंबर कितने हैं उसके नंबर वन है प्लूरल है या सिंगुलर है ये बताती है ओके okay? तो अभी देख इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे कि दिस मैंने बता दिया कि यहीं पे वो है यानी कि वो चीज़ नियर टू अस है और दैट यानी कि फार फ्रॉम अस दैट मीन्स फार फ्रॉम अस और दीज मीन्स नियर टू अस एंड दोज मीन्स फार फ्रॉम अस और इसी तरह से दिस जो है वो सिंगुलर है दैट भी सिंगुलर है और दीज जो है प्लूरल है और दोज भी जो है वो प्लूरल है ओके नेक्स्ट टॉक अबाउट पोजेसिव एज आई टोल्ड यू पोजेसिवस आर यूज टू शो देशन ऑफ थिंग्स रेफरेंस बाई रेफरेंसड बाय द फॉलोइंग नाउन एंड टेल्स अस हु ऑन समथिंग कि वो चीज़ किसकी है स्पेसिफिकली वो हमें इस चीज के बारे में बताता है पोजेसिव आर लाइक माई हिज हर इट्स आवर देयर यूर है न मेरी उसकी ऐसे क्वेंटिफायर्स दीज आर यूज टू मोडिफाई अउन टू इंडिकेट इट्स क्वान्टिटी क्वेंटिफायर मीन्स कि वो क्वांटिफाई कर रहा है कि कितनी है वो चीज़ कितनी मात्रा में है फ्यू है लिटल है ज़्यादा है है ना सम फ्यू एनी मैनी मच सम अ फ्यू अ लॉट लॉट्स ऑफ लिटल इनफ अब मैं आपको एक बात क्वांटिफायर्स जो हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं यानी कि हम उसको नाप भी सकते हैं और नहीं जैसे कि मैं बता देती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट इज़ काउंटेबल And second is uncountable, right? So these are two types of quantifiers. अब आप कहेंगे quantifiers में तो जो countable होते हैं उनको हम कि जैसा कि नाम से show रहा है कि हम इसको count कर सकते हैं one, two, three है ना जो नहीं uncountable है like few, little like this, okay? Next is interrogative. As I told you, interrogative determiners are that can be used to ask a question about a noun. Question about a noun. This can be used to ask about specific noun or general ones. Okay? These determiners are what, which. We use which to ask a question about a specific group of things. वी यूज वॉट वैन आस्किंग अ जनरल क्वेश्चन सो वेट का वर्ड जो है वो हम बहुत ही यूज़ करते हैं जनरल क्वेश्चन के लिए वॉट इज वट इज जैसे कि वोट इज दिस वर्ट्स कोइंग ऑन है ना और जो विच्स है वो हम स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ uh, कर लेते हैं एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हम बोलते हैं आउट ऑफ दिस पेपर्स विच इज़ यस एक नेट uh, से ये एक लिस्ट उठाई है आपके लिए डिटर्मिनर्स की इसको मैं बिक कर देती हूँ सो so, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी सो so, यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल्स की लिस्ट दे रखी है आर्टिकल्स हैं जैसे किस कौन से कौन से ए एन द यहाँ पे मैं आपको द के लिए एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ द देखो हम ना और दी द और दी टू टाइप से जो है हम यूज़ करते हैं अब आपको बोलोगे कि द कब यूज़ करें देखिए अगर आप द लगाते हो ना उसके बाद जो सेंटेंस है अगर तो वो इट विल स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट देन इट इज वी तो हम इस द को द बोलेंगे ठीक है अगर वो कॉन्सोनेंट है हम इसको दी बोलेंगे कब जब जो uh, यहाँ पे जो वर्ड होगा वो वोवेल से स्टार्ट होगा वोवेल मीन्स लाइक ई ए आई ओ यू राइट अगर वो इन इन लेटर्स से शुरू होगा वर्ड तो हम दी यूज करेंगे अगर वो कॉन्सोनेंट लाइक बी एस टी इनसे स्टार्ट हो जाएगा ना तो हम द यूज करेंगे राइट नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव पोजेसिव क्वेंटीफायर इसकी एग्जाम्पल आप यहाँ से एक बार रीड आउट कर सकते अब इस पिक्चर को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा यू कैन इजीली फाइंड इट ऑन द गूगल थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग